हम दोनों की मेहनत रंग लाई और हमारा काम था डेकोरेशन का और नेहा का काम था रूम साफ करने का, तो हमने नेहा को ना घर से भगा रखा ताकि वो Happy birthday to. सबसे पहले हमें लेने जाना है एक नए मेहमान को, देखते हैं वो मेहमान कौन है, आपको मिलाती हूँ उससे भाई। तो गाइस जो हमारा न्यू मेंबर है वो पहुँचने वाला है, गाड़ी वाले का फोन आया कि घंटाघर में लेने आ जाओ, तो हम घंटाघर में पहुँच चुके हैं, देखते हैं गाड़ी वाला कब आता है और देखते हैं आपको मिलाती हूँ न्यू मेंबर से। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज आप मेरे चैनल पे काफी टाइम बाद एक लॉन्ग वीडियो देखने वाले हो। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इसे बनाने का, कोई इरादा नहीं था, बट जो सुबह मुझे सरप्राइज मिला है ना, आई एम सो सरप्राइज और ब्लेस्ड हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे फ्रेंड है और ऐसे लोग हैं जो मेरे बारे में ना इतना 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 सोचते हैं। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ मतलब इस बात को लेके, और आपको दिखाऊंगी क्या हुआ है वो क्लिप में जस्ट इसके बाद देखूंगी। आप लोग देखना ना भूलिए और मुझे बताना आपको कैसा लगा वो सरप्राइज। और उसने इतनी मेहनत करी है तो मैंने आई थॉट कि उसकी मेहनत को ना वेस्ट नहीं जाने देते हैं, आगे की ब्लॉगिंग मैं कंटिन्यू करती हूँ। अगर मेरे लिए उसने इतना एफर्ट्स डाले हैं तो क्यों ना उसके एफर्ट्स को मैं वेस्ट ना होने दूँ। और उसको ब्लॉगिंग नहीं आती है फिर भी उसने इतनी कोशिश करी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इन्जॉय करें मेरे क्लिप को और पूरा बर्थडे ब्लॉग होगा ये, देखना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे आगे, ओके बाय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नेहाज ब्लॉग। तो नेहा के चैनल पे काफ़ी टाइम बाद एक लॉन्ग वीडियो आने वाला है, मुझे नहीं पता वो वीडियो डालेगी नहीं डालेगी, पर एक स्पेशल मोमेंट होने वाला है, उसको कैप्चर करना तो बनता है ना यार। तो आज है 28th of March और कल है 29 मार्च, नेहा का बर्थडे। तो 29 मार्च के लिए मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया था, बट किसी रीज़न की वजह से वो आज ही करना पड़ रहा है। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग और देख सकते हैं आप सूरज अभी अच्छे से उगानी है। तो सबसे पहले हमें लेने जाना है एक नए मेहमान को, देखते हैं वो मेहमान कौन है, आपको मिलाती हूँ उससे भाई। तो गाइस जो हमारा न्यू मेंबर है वो पहुँचने वाला है, गाड़ी वाले का फ़ोन आया कि घंटाघर में लेने आ जाओ, तो हम घंटाघर में पहुँच चुके हैं, देखते हैं गाड़ी वाला कब आता है और देखते हैं आपको मिलाती हूँ न्यू मेंबर से। बोलते गाइस, तो जब ना रिसेंटली ऑस्कर की नेहा के पप्पी की डेथ हुई थी, तो जून जुलाई में हुई थी, तो जब उसकी डेथ हुई थी 3 दिन तक रो रही थी और 3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया था। और फिर जब मैंने उसको खाना खिलाया था, मैंने बोला प्रॉमिस जब मतलब मैं तेरे को एक पप्पी दूंगी, तो उसको लगता था मैं 1-2 साल बाद दूंगी, बट क्या बोलते हैं वो पप्पी मैं उसके बर्थडे में गिफ्ट करने आ जाती, तो ये क्या है लैब्राडोर, मुझे नहीं पता ये उसका नाम क्या रखने वाली है, देखते हैं इसका नाम क्या रखती है। वही देखो कितना सुंदर है ना, तो देखते नहीं है का रिएक्शन और कैप्चर करते कैसे होते, देख कितने सुंदर बाबू है। क्या तेरे आजकल के बदले का छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हाले हाले झरो के चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे, दबे दबे पाओ जरा चले आओ ये पल मिलेंगे कहाँ, ये जिंदगी घर आते आते इसने पुट्टी कर दी। ये देखो चीची, देखा उसने वानी करी रही, इतना होशियार है, आगे कर आगे कर। ये है नेहा का बर्थडे केक। तो ना जहाँ से ये डॉगी आया ना, तो भैया ने बोला कि 1 हफ्ते तक तो फिलहाल इसको नहीं नहलाना है, पर ये वहाँ से ना वहाँ बहुत पेडिग्री खाता होगा भैया वो देते होंगे, तो बस स्मेल आ रही थी इससे पेडिग्री की, तो हम लोगों ने हल्के से वार्म वाटर से और सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि स्मेल ना आए। पानी गिरा दिया भगवान। गाइस ये इतना शैतान है ना, इसने सब कुछ आते ही तबाह करने लग गया है फाड़ फूड के, इतनी शैतानी करी है ना गाइस इसने, इतनी शैतानी। आप इतने सुकून से सो रहे हैं ना, देखो दांत दिखाते हैं, स्मेल, इतना शैतान है ना ये,
इतना तोड़ फोड़ करा इसने, हमारा घर किसको अच्छा नहीं लगेगा, हम कैसे रहते हैं, वैसे वो भी रह गया। हे भगवान गाइस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये, बहुत ज़्यादा। तो गाइस आप देख सकते हैं सुहाना आई है यहाँ पे मिलने के लिए लियो के साथ। लियो कैसा लगा सुहाना? ये लड़का है ना। कैसा लगा? ये प्यारा लड़का है ना, पक्का लड़का ही ऑफ कोर्स। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे इनको भी डाउट हो रहा है, वो लड़का है लड़की है, जेंडर में इसके डाउट हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं आप, सुहाना कुछ लेके आइए, दिखाओ सुहाना मेरा बर्थडे का गिफ्ट लेके आइए, दिखाओ दिखाओ खोल के क्या है। मेरे बर्थडे गिफ्ट तो एक महीने से खत्म नहीं हो रहे हैं, और अब कल बर्थडे है और आज भी गिफ्ट आ रहे हैं। इसको मिर्ची लग गई है। ताड़ा। ताड़ा। कितना सुंदर फोटो फ्रेम है देखो हमारा, पिछले बार नेहा थवाल ने दिया था वो ऊपर पे दिख रहा है आपको, मेरे वो देखो वो नेहा थवाल ने दिया था सिमू के बर्थडे में, और ये मेरे बर्थडे में आया है। तो शाम को करेंगे हम लोग, क्या करेंगे शाम को, नेहा थवाल भी आएगी थोड़ी देर में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय। हेलो गाइस, तो हम कर रहे हैं मिड नाइट की प्रिपरेशन, तो हम ये बना रहे हैं बलून कांच, और नेहा हमारा बेड बिछा रही है, और आज दोनों ये यही रहने वाले हैं, आज दोनों ये लोग यही रहने वाले हैं। और ये देखिए हमारा लियो सो रहा है। गाइस हम दोनों की मेहनत रंग लाई, और हमारा काम था डेकोरेशन का, और नेहा का काम था रूम साफ करने का, तो हमने नेहा को ना घर में घर से भगा रखा है, ताकि वो क्या बताए, खाली टेप निकाल के दिया, मतलब जो भी था जितना भी था मैंने किया, हां सुहाना ने किया। लाइट खोल के दिखाते हैं आप। तो हम ना यहाँ थोड़े बलून हमारे कम हो गए थे, और अब अंधेरा भी हो चुका है, तो हम कभी लेने भी नहीं जा सकते, देखेंगे अगर कुछ मिलता है तो, नहीं तो इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। मुझे लगा हो जाएंगे, बहुत सारे बलून्स थे, तो आपको दिखाती हूँ मैं, ये मैंने ये पोस्टर बनाने को दिया था। सो गाइस अभी हमारा डेकोरेट आधा रह गया था, अब हमने पूरा किया, पूरा तो नहीं, अभी थोड़ा वहाँ का रह गया है, वो लाइट बंद हो गई। और ये सिम्बॉय है, ये बहुत खुश है क्योंकि इनके हिसाब से सब हुआ है ना, देखो बलून भी मिल गए, देखो देखो देखो, हाँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतना सुंदर ने डेकोरेशन किया है, और ये लोग आज यहीं रहेंगे मिडनाइट सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैगी और रोटी बनाई है मैंने, और ये मैगी और रोटी एंजॉय कर रहे थे सुंदर तरीके से सुंदर डेकोरेशन के सामने। और ये देखो मेरा पोती कहाँ छोई है। सो गाइज अब बसने वाले हैं रात के 12, और हम सभी लोग एकदम तैयार हो चुके हैं, हमारा पूरा डेकोरेशन हो चुका है, तब तक हम लोग अपना फोटोशूट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप सभी को दिखाती हूँ, मेरा फेवरेट केक है, मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। थैंक यू गाइस, वेलकम सबको, थैंक यू। और मेरा डेकोरेशन कैसा लग रहा है गाइस, लेट मी नो, बाय गाइस। ही मिले गिफ्ट लेके आए हैं, ये तो वही जादुई रोज है, ये तो वही रोज है ना, कहाँ देखा था हमने, ये तुझे चाहिए था ना, हाँ जो तेरी दीदी के घर में था ना, अभी ये खोल, थैंक यू। और वैसे तो सिमू ने मुझे सारे गिफ्ट एक मार्च से देने स्टार्ट कर दिए थे, तो अभी उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है मुझे लियो, उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पर ये फिर भी रसम निभाने के लिए मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी, एक तो रोज और एक ये टेडी बेयर, मतलब इसको पता होना चाहिए कि मैंने कुछ चीज़ बोल दी ना, वाओ ये कितना क्यूट लग रहा है, इसको लेनी ही लेनी है। और ये डॉल हमने देखी थी मार्केट में, इसने वो भी ले ली।